नमस्कार सभी किसान भाइयों को, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राड फार्म पे। किसान साथियों, आज अपने कपास की फसल में है और इसके अंदर अभी जो थ्रिप्स का अटैक है वो ज़्यादा हो रखा था। इसके अंदर हमने जो स्प्रे किया है हमको बढ़िया रिजल्ट मिला है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि हमने कौन सा जो स्प्रे है वो किया है और मार्केट के अंदर कौन कौन से टॉप जो इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के लिए, उनके बारे में आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमने इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड किया था वो हल्का फुल्का जो इंसेक्टिसाइड है वो यूज़ किया था। अभी आप थ्रिप्स इसके अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हमने एमामेक्टिन बेंजोइट जो प्रोक्लेम के नाम से आता है वो हमने यूज़ किया था और उसकी जो डोज रखी थी वो हमने रखी थी 70 ग्राम, कहीं पे आगे थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी 75 ग्राम, 70 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से। और बढ़िया जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, नरमे की फसल है वो बहुत अच्छी खड़ी है। और जो मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे इंसेक्टिसाइड है उनके बारे भी मैं आपको बताऊँगा। एक अब इस बार सिजेंटा कंपनी का सेमोडिस आया है, उसके अंदर आइसोसाइक्लोसेरम 9.2% के अंदर जो है ये डब्ल्यू फॉर्म के अंदर जो इंसेक्टिसाइड है वो आया है और उसका भी जो रिज़ल्ट है वो ठीक बता रहे हैं, वो भी काफ़ी जो अच्छा है इंसेक्टिसाइड है वो है। तीसरे नंबर पे अगर अपने बात करें तो वो इंसेक्टिसाइड है जो सबसे अच्छा और पॉपुलर जो इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के लिए वो है डेलीगेट के अंदर स्पिनोटोरम 11.2% के अंदर होता है, ये 11.7% के अंदर सॉरी, और इसका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अगर इसके अपने डोज की बात करें तो 45 से 50 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से इसकी डोज है वो रखनी है और अच्छा एक मतलब इसका रिज़ल्ट है वो अपने को 25 दिन तक आराम से रिज़ल्ट इसका मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो अपने जहाँ पर आपकी पर्याप्त मात्रा में नमी हो तो वहाँ पे आप जो एक बायर कंपनी का आता है रीजेंट, जिसके अंदर 5% के अंदर फिप्रोनिल होता है, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया है। लेकिन आपकी ज़मीन के अंदर जिस प्रकार से आप देख रखे हैं पूरी नमी होनी चाहिए, नमी होगी तभी वो काम करेगा, वरना आपके खुश्की जो है या नरमे के अंदर अपने बोल देते हैं भी अपने कड़कपन है वो आ जाता है। तो आप उसके अंदर जो नमी है पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें तो उसका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बायर कंपनी का रिजल्ट। अगर अपने उसकी डोज़ की बात करें तो उसकी जो डोज़ है वो 200 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में एक टेक्निकल और आता है एमामेक्टिन बेंजोइट 1.9% लिक्विड फॉर्म के अंदर, SC फॉर्मुलेशन के अंदर, वो कई कंपनियों का आ रहा है। ब्रांड है वो है जो वो क्रिस्टल कंपनी का है, वो ब्रांड नेम मेरे को याद नहीं है, या और भी जो कंपनियों का जैसे मल्टीप्लेक्स का सुपरयोद्धा के नाम से है या और भी विभिन्न कंपनियों का था, उसका भी रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया है और काफ़ी जो अच्छा इंसेक्टिसाइड है वो है। तो ये जो 5 इंसेक्टिसाइड थे थ्रिप्स के लिए जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया और मार्केट के अंदर टॉप इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के लिए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मैंने आपको जो सभी बताए हैं वो ब्रांड नेम बताए हैं, आप ब्रांड का ख़रीदो ताकि आपको उसका रिज़ल्ट है वो अच्छा मिले। आप लोकल कंपनी का ना खरीदो, लोकल कंपनी का खरीदोगे उसकी आपको डोज भी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी और उसका रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।